आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमएससी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। और यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं ये हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो हम क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म हम क्लास 11 12 से करते आ रहे हैं, राइट। सो हम कुछ चीज़ों को रिकलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, राइट, और कुछ हम नए तरीके भी देखेंगे, राइट। जब हम और कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो मैकेनिज्म में हम क्या क्या देखते हैं और उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए हम क्या मेथड्स यूज करते हैं, राइट। सो हम जल्दी से देखेंगे। जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, राइट। अब रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स तक पहुंचते हैं तो क्या क्या होता है, देखिए इसके बीच में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जब बनते हैं, इससे पहले बीच में कई बार ट्रांजिएंट स्टेट आती है, जैसे हम SN2 रिएक्शंस में पढ़ते थे, राइट। इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, राइट, जैसे हम पढ़ते थे आपके ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स या SN1 रिएक्शंस, जहाँ पे कार्बोकेटाइन्स बनते थे, राइट, जो कि प्लानर कार्बोकेटाइन्स होते थे, और रिजल्टिंग जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वो हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता था, राइट। तो दूसरी चीज़ रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, मूवमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, राइट। एटम्स जैसे मूवमेंट ऑफ एटम्स कहें, जैसे जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ते हैं, एस्टर जब हाइड्रोलाइज होता है इट विल फॉर्म एन एसिड, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। अब कार्बोऑक्सिलिक एसिड में आपका ऑक्सीजन आ जाता है, अब वो ऑक्सीजन वाटर से आया है या एस्टर से आया है वो कैसे डिटरमिन करेंगे, इस तरीके की चीज़ को डिटरमिन करने के लिए हम उस एटम को जिसको हम देखना चाह रहे हैं ये वाटर से आ रहा है या एस्टर से आ रहा है, उसको हम लेबल कर देते हैं, सिंपल चीज़ लेबल कर देंगे, उसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। आइसोटोपिक लेबलिंग मतलब एक डिफरेंट आइसोटोप ले लेंगे हम, वाटर जब लेंगे तो हम वाटर में हम डिफरेंट आइसोटोप ले लेंगे, फिर अब जब हम उसको देखेंगे ये प्रोडक्ट में कहाँ है तो हमें इसकी पोजीशन पता लग जाएगी, ये मूवमेंट मूव होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इसकी पोजीशन कहाँ है इस आइसोटोप की, राइट। सो दिस इज योर आइसोटोपिक लेबलिंग। और एक होता है इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स को आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है, इसके लिए हम फिजिकल मेथड्स यूज करते हैं। अब देखिए इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड भी होता है और थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड टू सम एक्सटेंट स्टेबल भी होता है। शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स को हम मोस्टली फिजिकल मेथड से डिटरमिन आइडेंटिफाई करते हैं। फिजिकल मेथड्स लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स लाइक इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, राइट, यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और योर इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एक और टेक्निक होती है फ्लैश फोटोलिसिस, हम यूज करते हैं, राइट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या होता है जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, राइट। इंटरमोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल आपके कुछ एटम्स मूव होकर के या ग्रुप्स मूव होकर के एक दूसरी लोकेशन में चले जाते हैं विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इस तरीके के मेथड को डिटरमिन करने के लिए हम यूज करते हैं आपके क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट्स, राइट। वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। और तीसरी एक चीज़ एक और होती है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिकल कोर्स देखना रिएक्शन का, लाइक जैसे हम स्टीरियोकेमिकल नेचर देखते थे रिएक्शन SN1 SN2 रिएक्शन का, अगर आपका प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर है, दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है, दैट गोज थ्रू एन इंटरमीडिएट विच इज अ कार्बोकेटायन, राइट। एंड इफ इन द प्रोडक्ट यू हैव इन्वर्टेड कॉन्फिगरेशन कंपेयर टू रिएक्टेंट, दैट मीन्स रिएक्शन आया है आपका ट्रांजिशन स्टेट से विच इज योर SN2 रिएक्शन, इस तरीके से, राइट। प्रोडक्ट्स को देख करके हम बता सकते हैं रिएक्शन किस तरीके का है या इंटरमीडिएट्स क्या है, राइट। सो लेट्स क्विकली डिस्कस दीज थिंग्स इन लिटिल मोर डिटेल, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट वे है आपका हमारा, लेट्स राइट इट ओवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट।
देखिए जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कोई पैरेलल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। कोई पैरेलल रिएक्शन भी हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। पैरेलल रिएक्शन मतलब जो अनडिजायर्ड रिएक्शन है वो मिनिमाइज होना चाहिए टू गेट गुड क्वांटिटी ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो वी विल सी एनी पैरेलल, और इसको हम कॉम्पिटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। राइट, अब पैरेलल, अब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हम मैकेनिज्म कैसे बता सकते हैं। देखिए हमें पता है ऑक्सीडेशन, या हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, ये आपको क्या देता है, हाइड्रोपेरोक्साइड। राइट, अगर आपको हाइड्रोपेरोक्साइड मिल रहा है दैट मींस इसका मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। राइट, जैसे हम एल्केन लेते हैं, ऑक्सीजन है, देखिए ये एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। राइट, ये एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, और ये बनेगा। राइट, हमें पता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस के कुछ स्टेप्स होते हैं। राइट, उन सब स्टेप्स को हम देखते हैं। अब देखिए ये जो है एल्काइल फ्री रेडिकल, ये फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से। राइट, अब देखिए ये जो है ये फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से टू गिव यू, ये इससे रिएक्ट कर जाएगा टू गिव यू दिस। राइट, अब देखिए ये रिएक्ट करेगा एल्केन से। राइट, ये फर्दर रिएक्ट करेगा आपका एल्केन से। राइट, ये देगा आपको हाइड्रोपेरोक्साइड, ROOH जो ऊपर था, हाइड्रोपेरोक्साइड जिसकी हम बात कर रहे थे, और एल्काइल फ्री रेडिकल। तो हाइड्रोपेरोक्साइड अगर बन रहा है दैट मींस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। राइट, और दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में आइसोमेरिक क्लोराइड, अगर कोई आइसोमेरिक क्लोराइड्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस, अगर कोई आइसोमेरिक क्लोराइड है, आइसोमेरिक एलाइल क्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस, राइट, यहां पे हमें हम देखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, मेनली हम प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं यहां पे, आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स। ये एक आइसोमर है, राइट, और ये एक हम दूसरा आइसोमर लिखते हैं, दिस इज द अदर आइसोमर। अब इन दोनों को अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वुड बी 85% ऑफ टर्शियरी अल्कोहल एंड 15% ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। राइट, प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन सेम रहता है, चाहे मैं ये यूज करूं चाहे मैं ये यूज करूं। दैट मींस इसके मैकेनिज्म की तरफ क्या लाइट डाल रहा है ये, दैट दिस रिएक्शन इज कमिंग थ्रू अ कॉमन इंटरमीडिएट। राइट, अब देखिए इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है इनमें, ये है, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट, यहां से आएगा, राइट, अब देखिए इसका हुआ हाइड्रोलिसिस। अब देखिए हाइड्रोलिसिस में आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे right?
राइट, यहां से आपका बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, राइट, इससे आपका बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। टर्शियरी अल्कोहल का ग्रुप पता होना चाहिए। इफ यू नो द ग्रुप ऑफ टर्शियरी अल्कोहल यू विल इजीली आइडेंटिफाई इट। सॉरी, यहां पे ये एक एक्स्ट्रा लगा। राइट, देखिए यहां से आप यू विल गेट सी डबल बॉन्ड, CH2OH, राइट। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, राइट। और प्राइमरी अल्कोहल कितना था? 15%। और टर्शियरी अल्कोहल हमें इसमें मिलेगा 85%, राइट। प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन इसमें हमेशा सेम रहेगा, राइट। हियर यू हैव वन एच, सॉरी आई वाज मिसिंग दिस एच, राइट। सो दिस इज द एच, और यहां से आपका बनेगा टर्शियरी अल्कोहल, देखिए ये है CH2OH इस वाले में, देखिए ये है आपका CH, राइट, CH2OH, ये कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, ये 15% है। और ये है आपका CHOH, ये किस कौन सा होता है? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये होगा आपका 85%, राइट। प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, राइट, वेदर आई टेक दिस और दिस, दैट मीन्स ये दोनों रिएक्शन एक कॉमन इंटरमीडिएट से होते हुए जा रहे हैं, राइट, इसीलिए हमें सेम प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा। इस तरीके से हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके हम रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पे। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कोई अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, राइट, विच इज देयर फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम फिजिकल मेथड यूज करते हैं, राइट, फॉर ट्रांजिएंट या जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। इसके लिए हम यूज करेंगे पहले फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हमने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है, यहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की जब हम बात करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, फ्रॉम होमो टू लूमो, राइट। और एक होता है इंफ्रारेड, IR जिसको हम कहते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होता है? रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है, राइट, इसमें होता है आपका रोटेशनल, चेंज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। राइट, और यूवी स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम होमो टू लूमो। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए कुछ तरीके के इंटरमीडिएट्स, और इंटरमीडिएट्स की एक और चीज होती है, इंटरमीडिएट्स को हम ट्रैप भी कर सकते हैं। जो रिएजेंट हम यूज करते हैं इंटरमीडिएट को ट्रैप करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग एजेंट।
बेसिकली क्या होता है, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट को हम केमिकली रिएक्ट कर देते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है कॉमन। अगर कॉमन इंटरमीडिएट है किसी भी रिएक्शन में, हम उसको अगर कॉमन एक केमिकल से रिएक्ट कर रहे हैं तो एक कॉमन प्रोडक्ट बनेगा। उससे हमें, उस कॉमन प्रोडक्ट से हमें पता लग जाता है कि इस रिएक्शन में आपका ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बन रहा है, विच कैन बी कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, कोई भी, राइट। और इसको हम, एक और तरीका होता है फ्लैश फोटोलिसिस। फ्लैश फोटोलिसिस से भी हमें पता लगता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। फ्लैश फोटोलिसिस बेसिकली एक टेक्निक होती है जिससे हम इंटरमीडिएट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं कुछ देर के लिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट पे हम, रिएक्टेंट को हम इरेडिएट करते हैं विद विजिबल लाइट, राइट, और अल्ट्रा और इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको लाइट जब इंसिडेंट होती है रिएक्टेंट पे, तो ये कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट की बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करता है, राइट, जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कौन सा इंटरमीडिएट है। बेसिकली ये शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स के लिए यूज होता है, ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट्स के लिए, फ्लैश फोटोलिसिस। सो डू रिमेंबर दिस फ्लैश फोटोलिसिस टेक्निक, राइट। सो यहाँ पे हमें और भी कुछ चीजें देखनी है अभी, राइट। अब ट्रैपिंग द एजेंट, अलग अलग इंटरमीडिएट्स को हम अलग अलग तरीके से ट्रैप कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइंस को ट्रैप करने के लिए हमें चाहिए होता है न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर कहीं पर कार्बोकेटाइन बन रहा है, देन वी विल मेक दैट कार्बोकेटाइन रिएक्ट विद अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। फॉर एग्जांपल, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, C6H5CH2। इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, C6H5CH+CH2Br, राइट। अब देखिए इसको, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन है, दैट मीन्स ये कार्बोकेटायन है। अब इस कार्बोकेटायन को हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर हम OH से रिएक्ट करेंगे, कोई भी कार्बोकेटायन बनेगा, कोई भी रिएक्शन है, कार्बोकेटायन बना, तो हम इसको हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे तो हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, कॉमन प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह का। अगर हम इसको साइनाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर देते हैं तो हमको ये मिलेगा, राइट, साइनाइड और हाइड्रोक्सिल मिलेगा। इसी तरह से अगर इंटरमीडिएट्स और कौन से होते हैं, फ्री रेडिकल्स, देखिए फ्री रेडिकल्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स के लिए हम नाइट्रोसो कंपाउंड यूज करते हैं, राइट। इनको हम ट्रैप करते हैं, दीज आर ट्रैप्ड यूजिंग नाइट्रोसो कंपाउंड्स, राइट। अब देखिए फ्री रेडिकल है, जैसे कोई जैसे एल्काइल फ्री रेडिकल है, राइट, ये नाइट्रोसो कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, जैसे राइट प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये है इंटरमीडिएट, ये शॉर्ट लिव्ड है, तो यहाँ पे जब ये शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट नाइट्रोसो कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रो ऑक्साइड बनाएगा, राइट, विच इज अ लॉन्ग लिव्ड, राइट, इट विल फॉर्म लॉन्ग लिव्ड नाइट्रो ऑक्साइड। ये है आपकी लॉन्ग लिव्ड नाइट्रो ऑक्साइड, राइट। सो देखिए अगर कहीं पे फ्री रेडिकल बन रहा है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है या ट्रैप करना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड नाइट्रोसो कंपाउंड, नाइट्रोसो कंपाउंड विल फॉर्म नाइट्रो ऑक्साइड विच इज लॉन्ग लिव्ड, राइट। सो इस तरीके से तो आप ट्रैप करेंगे फ्री रेडिकल्स को। Now,
राइट इसी तरीके से अगर हमें कार्बीन नाइट्रीन और बेंजाइन को ट्रैप करना है तो हम उसके लिए अलग अलग रिएजेंट्स ट्रैपिंग एजेंट्स यूज करेंगे। अगर देखिए कार्बीन, कार्बीन कहाँ पे बनता है, रीमर टीमर रिएक्शन, फेमस रीमर टीमर रिएक्शन है, कार्बीन्स के लिए हम यूज करेंगे। लेट मी जस्ट रब दिस। देखिए कार्बीन्स के लिए हम ट्रैपिंग एजेंट यूज करते हैं एल्कीन्स, एक होते हैं आपके नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स के लिए हम यूज करते हैं बेंजीन, राइट और कौन से होते हैं, बेंजाइन, बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट है। बेंजाइन के लिए हम ट्रैपिंग एजेंट जो यूज करेंगे वो होगा आपका से बेंजाइन के लिए होता है आपका ट्रैपिंग एजेंट, इसके लिए एल्कीन है, इसके लिए डाइन होता है, राइट डेल सॉल्डर रिएक्शन याद रखना। अब इसको हम जल्दी से देखते हैं, एक एक रिएक्शन एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए कार्बीन एक फेमस रिएक्शन है, रीमर टीमर रिएक्शन है ये, क्लोरोफॉर्म लेते थे हम इसमें, अल्कोहलिक KOH लेते थे। इसमें क्या होगा आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बीन बनती है, राइट कार्बीन बनेगा। सो कार्बीन बनेगा तो अगर हम इसको एल्कीन से रिएक्ट करेंगे तो ये कॉमन प्रोडक्ट देगा आपको, इसमें आपको साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव मिलेगा, राइट साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव जो एक स्टेबल कंपाउंड होगा। यहां पे ये बनता है कार्बीन, ऐसे कार्बीन बनेगा, राइट अगर मैं यहां पे एल्कीन साइक्लोहेक्सीन लेता हूं, एक एल्कीन है, ये रिएक्ट करेगा आपका इससे टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, दिस इज लॉन्ग लिव्ड, दिस इज शॉर्ट लिव्ड, राइट। सो जहां भी कार्बीन बनेगा एल्कीन से रिएक्ट करेंगे साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, राइट आई होप दिस इज क्लियर। अब जल्दी से हम देखते हैं नाइट्रीन, अगर कहीं पे नाइट्रीन बन रहा है तो हम वहां पे क्या लेंगे। देखिए अगर कहीं पे नाइट्रीन बन रहा है आपका तो हम वहां पे बेंजीन लेते हैं, ऐसे ही अगर कहीं पे नाइट्रीन बन रहा है तो हम वहां पे इस तरीके से बेंजीन लेंगे, राइट बेंजीन नाइट्रीन से रिएक्ट करेगा, नाइट्रीन इस तरह से होता है नाइट्रोजन लो लोन पेयर। देखिए इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमको एजेपाइन मिलेगा, एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एजेपाइन। सो नाइट्रीन बेंजीन से रिएक्ट करके आपको देगा एजेपाइन। देखिए एजेपाइन क्या होता है, 7-member ड्रिंक, ये चीज याद रखना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, राइट ये बना आपका एजेपाइन 7-member। सो यहां पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, इस चीज पे ध्यान देना, यहां पे रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है, राइट और ये प्रोडक्ट क्या है आपका एजेपाइन। अगर एजेपाइन बन रहा है तो आपके पास नाइट्रीन है, दैट मीन्स राइट आई होप दिस इज क्लियर। राइट अब फटाफट से हम देखते हैं ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइन, अगर बेंजाइन बन रहा है कहीं पे, अच्छा नाइट्रीन, ओके बेंजाइन अगर, लेट्स डू दिस, तो ये रिएक्शन सब आप देख लेना। अगर आप बेंजाइन बन रहा है, बेंजाइन मैंने बोला बेंजाइन विल रिएक्ट विद अ डाइन, डाइन मतलब जिसमें दो डबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड इट विल फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे बेंजाइन है, बेंजाइन रिएक्ट करेगा आपका एंथ्रेसीन से,
देखिए बेंजाइन है, बेंजाइन ऐसे लिखते हैं इस तरीके का होता है, सॉरी दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर, यह है आपका बेंजाइन, ट्रिपल बॉन्ड होता है बेंजाइन में, एक हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है, राइट, इट्स एन एल्काइन बट हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, अनस्टेबल होता है ये बहुत ज्यादा। अब अगर ये रिएक्ट करेगा आपका एंथ्रेसीन से, राइट, ये रिएक्ट करता है एंथ्रेसीन से टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टिसिन। ये रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड ट्रिप्टिसिन, राइट। ट्रिप्टिसिन का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे देखिए, तीन बेंजीन मॉलिक्यूल बनाना है ऐसे, एक यहां पे, राइट, इस तरीके से तीन हमने बेंजीन मॉलिक्यूल्स बनाए, और इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स को, इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, हम आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, राइट। ये बन गया आपका ट्रिप्टिसिन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से बेंजीन जो है फ्यूरन से भी रिएक्ट करेगा, राइट, फ्यूरन भी एक डाइन है, राइट, फ्यूरन से रिएक्ट करेगा। इसका फॉर्मूला कैसा होता है फ्यूरन का, इस तरीके का फाइव मेंबर रिंग होता है, डाइन है, दो डबल बॉन्ड है, डाइन है, तो यहां पे भी एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रैप बेंजाइन यूजिंग डाइन, एंथ्रासीन और फ्यूरन, राइट। ये ट्रिप्टिसिन है, स्टेबल कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना ड्रॉ करने का, और अगर ये फ्यूरन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, राइट। वो स्टेबल कंपाउंड किस तरह का होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ करके एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, राइट। यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हो गया आपका ट्रैपिंग, किस तरीके से आप इंटरमीडिएट्स को ट्रैप करते हैं, राइट। अब मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ इसके मेथड्स, लेकिन हम जल्दी से अभी देख लेते हैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंस, स्टीरियोकेमिकल कोर्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम क्या बता सकते हैं, स्टीरियोकेमिकल कोर्स। देखिए स्टीरियोकेमिकल कोर्स, अगर आपका प्रोडक्ट रेसेमिक मिक्सचर है, राइट, आप क्या करेंगे, आप टर्शरी हैलाइड्स को रिएक्ट करेंगे, राइट, एंड इट विल फॉर्म, देखिए हम किस तरह से करेंगे, टर्शरी हैलाइड्स लेंगे, C6H13, राइट, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, राइट, ये एक क्लोराइड है, राइट, और यहां पे क्या बनेगा आपका, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, एंड फर्दर ये कार्बोकेटाइन में फ्रंट और बैक से अटैक होगा, इट विल फॉर्म डी एंड एल फॉर्म्स, जो होता है रेसेमिक मिक्सचर। और हमें कैसे पता लगेगा ये रेसेमिक मिक्सचर है, इट विल नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, राइट। सो प्रोडक्ट डिटरमिन करके हमें पता लग जाएगा दैट इट हैज इट कमिंग थ्रू अ कार्बोकेटाइन, ये एक SN1 रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म है ये, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक हैलाइड लेता हूँ इसी तरह से, 2-bromo-octane अगर मैं लेता हूँ, C6H13, CH3, राइट, HBr,
ये आपका R, R2 ब्रोमो ऑक्टेन, राइट, ये आपको देगा, देखिए यहाँ पे